हमारा तो जमाना जब हो गया चीयर लीडर था कैसे मैं तुम्हें अभी समझाता <laughs> हूँ <नहीं>? <plaster surreal> <tap fel Ramsay> पात्रा उड़ीसा में बीजेपी को मजबूत कराने के लिए और पूरी लोकसभा से जीत हासिल करने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं लेकिन लगता है संबित पात्रा का रास्ता काफी कठिन है अरे कहना क्या चाहते हो तो भाई बात दरअसल ऐसा है ना संबित पात्रा का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है जिसमे देखा जा सकता है की संबित पात्रा का तो मोह ही हो गया आपको बता दें कि यह दावा किया जा रहा है कि संबित पात्रा एक कार्यक्रम में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और उसके बाद गाना गाते हुए जैसे बीजेपी और मोदी सरकार की तारीफ करना शुरू करते हैं एक महिला संबित पात्रा का माइक छीन लेती है उसके बाद तो ये वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर फिरकी भी ले रहे हैं अच्छा बात नहीं है <laughs> <laughs> तो इसी पे अश्वत्थ थामा क्यों जर लिखते हैं हर जगह मोदी पुराण चालू कर देते हैं इनको लगा ये भी नोएडा का स्टूडियो है अनुराग जरे लिखते हैं मोदी मोदी करने गए थे और करवा के आ गए तो तो शिवराज यादव लिखते हैं पहले तो कभी भी जाना मत और अगर चले भी गए तो चुपचाप निकल लेना वरना जिंदगी संबित पात्र बनते देर नहीं लगती तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीन लिखते हैं आके मटका मटका कर बेरिश पैर की बातें और निरंतर झूठ बोलने वाले उई पुई प्रवक्ता महोदय ने जब राजनीतिक भाषण देकर मोदी वंदन शुरू किया तो जनता ने ना सिर्फ चुप करा दिया बल्कि माइक भी झटक लिया मोए मोए हो गया भगवान देखिये भाई वैसे तो लोगों के निजी विचार हैं जिनकी समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन किसी को भी इस तरीके से ट्रोल किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है वैसे आप संबित पात्रा किस तरीके के ट्रोल को लेकर क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे